तो ये वीडियो क्लास 10 कार्बन एवं उसके यौगिक का नेक्स्ट भाग है। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ा दिया है और हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन को भी मैंने बता दिया है कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। हम लोगों ने यह भी देख लिया था कि कैसे अल्केन का सूत्र बनाया जाता है, अल्कीन का सूत्र बनाया जाता है और अल्काइन का सूत्र बनाया जाता है। तो बच्चों आप पूरे वीडियोस को देखिए, ऐसा नहीं कि अचानक से किसी वीडियो को आपने खोल के देखना शुरू कर दिया तो आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि ये एक सीरीज होता है। यदि आप सीरीज में नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आप कोई मान लीजिए मूवी या कार्टून को सीरीज में यदि देख रहे हैं तो आप अचानक बीच में शुरू कर देंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा। इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरा शुरू से वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि ये नया चैप्टर है आप लोग के लिए क्लास 10th में। इसके पहले आपने ऐसा चैप्टर कभी भी पढ़ा नहीं है, तो इस कारण से आपको सब शुरू से देखना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना नाम पद्धति नामकरण। क्या नामकरण है कि यदि CH4 लिखा है तो इसका क्या नाम होगा। इसके बाद यदि C2H6 लिखा हुआ है तो इसका क्या नाम होगा। मैं यहाँ पर थोड़ा मिटा दूँ क्या, यहाँ पर देखिए इसको हाइड्रोकार्बन आपको समझ लिए हैं। चलिए यदि मैं लिख दूं यहां पर C2H2 तो इसका नाम क्या होगा। C2H4 मान लीजिए और ये C2H2 लिख दूं तो इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम आपको एकदम तुरंत पकड़ लेना चाहिए। यदि आपको ये नाम आता है तो आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे, और यदि ये नाम नहीं आता है तो आपको बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मतलब ये चैप्टर आपको एकदम नहीं समझ में आया कि क्या ये लिखा हुआ है इधर उधर का चीज़। तो अब आप कंफर्म हो जाइए कि आपको अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का नाम पता है। मैंने आपको शुरू में बताया था उसका सूत्र आपको पता है। तो अब चलिए इसका हम लोग नाम लिखते हैं। नाम में आपको सबसे पहले क्या करना है, एकदम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो ये आयु पैक नेम हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि ये साइंटिफिक नोमेनक्लेचर यानी कि साइंटिफिक नामकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आप ध्यान दीजिए। कुछ कुछ कॉमन नाम है उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको साइंटिफिक सारे नाम मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको क्या देखना है, कार्बन का नंबर देखना है कि कितने कार्बन हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको संरचनात्मक सूत्र दिखाया था, तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितना है, दो यहाँ पर है, दो यानी यहाँ पर लिख देते हैं C3H8, तो यहाँ कार्बन कितना है, तीन। तो सबसे पहले तो आपको कार्बन का नंबर जान लेना है। कार्बन का नंबर जानेंगे तो कार्बन एक को क्या कहेंगे, मीथ, दो को क्या कहेंगे, ईथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, छः को हेक्स, सात को हेप्ट, आठ को ऑक्ट, नौ को नॉन और 10 को डेक। ये आपको याद रखना है। तो अभी आपसे मैं एक चीज़ पूछूंगा और आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले के वीडियो मैंने उसको विस्तृत में बताया था कि जो अल्कीन है, अल्केन है या अल्काइन है उसको आपको पहचानना मैंने सिखाया था। तो यदि मैं यहाँ पूछूं कि बताइए C2H4 क्या है, अल्केन, अल्कीन या फिर अल्काइन, तो क्या आप बता पा रहे हैं। C3H8 क्या है बताइए, C2H2 क्या है बताइए। यदि आप बता पा रहे हैं तब तो इस वीडियो को देखिए, और नहीं तो पहले पीछे के वीडियो को देखिए, नहीं तो फिर आपको तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब जस्ट डबल हो, क्या हो, जस्ट डबल, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कीन। जस्ट डबल हो तो क्या बोलेंगे, अल्कीन। तो यहां पर देखिए C2 है और H4 है तो 2 × 4, जस्ट डबल है तो क्या बोलेंगे, अल्कीन। C3 है, H6 है तो क्या बोलेंगे, अल्कीन। C4 है, H8 है तो क्या बोलेंगे, इन। क्या बोलेंगे, इन इन इन, अल्कीन बोलते बोलते सर आप बोलेंगे इन क्यों बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके नाम में हम लोग अब इन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन। तो इसके ये क्या हो गया, अल्कीन, तो नाम में लगा देंगे इन। ये क्या हो गया, अल्कीन, तो नाम में क्या लगा देंगे, इन। ये हो गया अल्कीन, तो नाम में क्या लगा देंगे, अल्कीन, पीछे की ओर अल्कीन लगा देंगे और कार्बन को गिन के लगा देंगे। तो ये हो गया दो कार्बन, क्या नाम, कितना कार्बन है, दो, तो लिख देंगे दो कार्बन के लिए ईथ, तो ये हो गया इथिन। ईथ प्लस इन क्या हो जाएगा, इथिन। इंग्लिश में तो थोड़ा अलग होता है, हिंदी में थोड़ा अलग होता है, इथिन हो गया। तीन कार्बन है तो प्रोप, और इन लगा देंगे तो प्रोपिन।
और आप ह्रस्व इकार दीर्घ इकार ये मुझसे मत पूछिएगा क्योंकि मुझे इंग्लिश में आता है, हिंदी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए सी फोर जैसे ही आपने देखा तो आपको यही याद रहना चाहिए, ईथ मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट हेक सेप्ट ऑक नॉन डेक, ये याद होना चाहिए। मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट हेक सेक ऑक नॉन डेक, कौन सा पोजिशन पे क्या वो याद रहना चाहिए। तो सी फोर अभी आपको यहां देखना पड़ेगा, तो ये हो गया ब्यूट और इन, तो ब्यूटीन हो गया, इस प्रकार से ब्यूटीन हो गया। तो यानी कि C2H4 का क्या नाम हो गया, इथीन। C3H6 का क्या नाम हो गया, प्रोपीन। C4H8 का नाम क्या हो गया, ब्यूटीन। तो इसको हम लोगों ने कैसे लिख पाया, इसको पहले इसको याद कर लिया और फिर पहचाना कि अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। तो एन में एन लिखेंगे, इन में इन लिखेंगे, आइन में आइन लिखेंगे, नाम हो गया, बहुत आसान है। तो अब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं, बताइए C2H4 क्या है, इन। C3H6 क्या है, इन। C4H8 क्या है, इन। तो ब्यूटीन, प्रोपीन, फिर ये क्या हो जाएगा, दो को इथीन। तो बहुत सारे बच्चों को दो और एक में कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले आप रख लीजिए माँ, माँ वर्ड आपने सबसे पहले शुरू किया है बोलना, तो C1 को हमेशा माँ से याद रख लीजिए, माँ से म यहाँ पर आ रहा है म, और इथ क्या हो जाता है, दो हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे इथ को वन गिन लेते हैं और मिथ को दो गिन लेते हैं, इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। तो ये हो गया। चलिए अब ये बताइए, जस्ट डबल से दो ज्यादा वाला मैंने आपको सिखाया है, तो जस्ट डबल से दो ज्यादा वाले को हम लोग क्या कहते हैं, एन। जस्ट डबल से दो ज्यादा वाले को क्या बोलते हैं, एन। तो जस्ट डबल से दो ज्यादा है, एक गुना दो, दो हो गया, दो दो चार हो गया, तो ये हो गया एन, एन ऐसे एन या एन जो भी आपको लिखना है, ये हो गया एन। जस्ट डबल से दो ज्यादा क्या हो गया, एन। ये भी जस्ट डबल से दो ज्यादा क्या हो गया, एन। तो पहले आपको पहचानना होगा अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। तो पीछे के वीडियो में मैंने बहुत विस्तार से बताया है, यदि आप इसको पहचान नहीं पा रहे हैं तो आप कुछ नहीं बना पाएंगे। तो ये एन हो गया, ये क्या हो गया, एन। तो सी क्या हो गया, मीथ की ईथ, मीथ हो गया, तो ये हो गया मीथ। तो मिथ जोड़ एन क्या हो गया, मीथेन। आपने बहुत बार नाम सुना है, बहुत बचपन से नाम सुनते आ रहे, मीथेन मीथेन मीथेन। तो ये एन है, क्या है, एन, यानी कि अल्केन ग्रुप का है। तो एग्जाम में आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये कौन सा ग्रुप है, तो ये अल्केन है, और इसका फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, तो CnH2n+2 है। ये क्या है, तो ये अल्केन है। ये क्या है, तो ये अल्केन है। अल्केन क्या है, अल्कीन क्या है, अल्काइन क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसको इंग्लिश में जनरल फॉर्मूला कहते हैं, तो आपको याद रखना है। तो ये हो गया ईथ, दो कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ईथ प्लस एन, तो इथेन हो गया। फिर प्रो प्लस एन, तो क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर यदि हम लोग सीरीज बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नॉनेन डेकेन, इस प्रकार से एल्कीन का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीथेन होगा, क्या मीथेन नहीं बनता है। तो इथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन हेक्सीन हेप्टीन, तो आप इसको बना के देखिए अपने कॉपी में। आइन में क्या हो जाएगा, जैसे कि C2H2 है, C2H2, तो आपको पहचानना है कि अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, तो ये है अल्काइन। तो अल्काइन में आइन हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा इथाइन। इथ से क्या हो जाएगा, इथाइन। प्रोप से क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। इथ क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए इथाइन। इसी प्रकार से प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन हेक्साइन हेप्टाइन ऑक्टाइन नोनाइन डेकाइन, ऐसे ही आपको 10 तक नहीं याद करना है, 5 तक याद कर लीजिए, 11 12 13 14 भी नहीं याद करना है, 5 तक 6 तक 7 तक याद कर लीजिए, तो आपको ये काम चल जाएगा। तो ये तो था हम लोग का नामकरण का पहला स्टेप। तो इसमें हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया कि नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, थोड़ा सा सीखा है, पूरा तो नहीं सीखा है, क्योंकि यदि ये पूरा सीखने लगेंगे आप तो कम से कम एक महीना लग जाएगा, और ये जाके आपको MSc में पूरा सीखना है, यहाँ पर आपको बच्चे के जैसा ही सीख लेना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, आण्विक फॉर्मूला बताया था, आण्विक सूत्र बताया था, और इसके साथ संरचनात्मक सूत्र भी बताया था, जैसे कि CH4। अब आप बताइए कि क्या है, तो CH4 है, अल्केन है, इसका नाम क्या हो गया, मीथेन। क्या नाम हो गया, मीथेन।
अब आपको समझ में आ रहा है नाम, नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको रट लीजिए, मतलब ये एनीनियाइन रट लीजिए, नाम कभी भी इसका रटा नहीं जा सकता है, इसको आपको बनाना ही सीखना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका आणविक सूत्र, और इसका जब हम लोग संरचनात्मक सूत्र लिखेंगे तो इस प्रकार से इसका संरचनात्मक सूत्र होगा, इसको भी आपको याद कर लेना है। यदि इथेन है तो C2H6 हो गया इथेन, तो यहाँ पर अब यहाँ पर आप पहचानिए कौन है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन है, तो जस्ट डबल से दो ज़्यादा है तो अल्केन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अल्केन होगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड लगाना है कार्बन कार्बन के बीच में, अल्कीन है तो डबल बॉन्ड, मैंने सिखाया है पीछे के वीडियो को आप देख लीजिए, और अल्काइन है तो कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये अल्कीन है तो दो कार्बन लगाया, और मैंने सीखा है कार्बन के चारों ओर चार डंडा होना चाहिए, तो यदि इस कार्बन को देखिएगा तो चार डंडा हो गया, इस कार्बन को देखिएगा तो 1 2 3 4, अब जो बच गया जगह उसमें हाइड्रोजन को हम लोग जोड़ देंगे इस प्रकार से, हो गया इस प्रकार से आपका ये बन गया मीथेन, ये क्या हो गया इथेन, इस प्रकार से प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन सब बना सकते हैं। यदि अल्कीन का देखें तो मान लीजिए आपको बनाना है C3H8, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो तीन C है तो 1 2 और 3, कहीं एक जगह डबल बॉन्ड होना चाहिए, C3H8 नहीं होगा ये C3H6 होगा क्योंकि जस्ट डबल है, आपको याद होना चाहिए था। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं, तीन से प्रोप और इन है तो प्रोपीन है ये। अब देखिए एक जगह डबल बॉन्ड लगाना है तो एक जगह हम लोगों ने डबल बॉन्ड लगा दिया, द्विआबंध लगा दिया। अब कार्बन के आजू बाजू आपको कितना डंडा गिनना है, चार, तो इसमें दो ऑलरेडी है तो दो लगा दीजिए, इस कार्बन में देखिए 1 2 3 तो एक और लगा दीजिए, इस कार्बन में 4, और सब तरफ हाइड्रोजन यदि आप लगा देंगे इस प्रकार से तो ये बन गया। ठीक ऐसे ही आपको यदि आयन में बनाना है तो मान लीजिए C3 है और H कितना हो जाएगा 4, तो इसमें एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगाना है आपको तो कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। अब इस कार्बन के चारों ओर आप गिन दीजिए चार डंडा, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसका गिनेंगे तो 1 2 1 2 3 और एक और लिखेंगे तो एच जोड़ दीजिए सब तरफ। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं, प्रोपाइन। तो इस प्रकार से नामकरण का पहला स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, आगे और नामकरण आपको सीखना है तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल में बनाए हैं, उन सारे वीडियोस को देखिए, प्लेलिस्ट को खोलिए, आपको प्लेलिस्ट नहीं खोलना आता तो आप कहीं सीख लीजिए, प्लेलिस्ट को खोलिएगा तो वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।